दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता इतनी है कि वो भारत में हों या चाहे विदेश में, उनके फैंस उनकी एक झलक पाने के लिए बेताब रहते हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज हो या उनका भाषण देने का अंदाज़, वो हमेशा ही प्रभावित करने वाला होता है। लेकिन इन सब के बीच और इसके साथ साथ एक और चीज़ है जिसके कारण मोदी जी अक्सर चर्चा में रहते हैं, और वो है उनकी ड्रेसिंग सेंस, यानी कि उनके कपड़े। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी कपड़ों के मामले में खुद एक फैशन आइकन हैं। उनके कपड़े काफ़ी यूनिक और प्रभावित करने वाले होते हैं, और साथ ही साथ देखने में काफ़ी महंगे भी लगते हैं, जिसके कारण वो कई बार अपने आलोचकों के निशाने पर भी रहते हैं। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि भारत के प्रधानमंत्री के कपड़े कहाँ बनते हैं, कहीं बाहर विदेश से तो नहीं आते? तो दोस्तों, हम आपको ये बता दें कि नरेंद्र मोदी अपने कपड़े अहमदाबाद स्थित जेड ब्लू नाम की एक दुकान से सिलवाते हैं। यहाँ आप ये दुकान सुनकर कोई छोटी मोटी दुकान मत समझ लेना। दरअसल जेड एंड ब्लू की शुरुआत 1995 में अहमदाबाद से हुई थी। आज जेड एंड ब्लू के पास 22 स्टोर हैं, जिसमें 1 लाख से अधिक संतुष्ट ग्राहक, और इस कंपनी का जो टर्नओवर है वो भी करोड़ों में है। कंपनी का नेतृत्व दो भाई जितेंद्र चौहान और विपिन चौहान करते हैं। ये कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी तब से यहाँ से अपने कपड़े बनवाते हैं जब वो गुजरात के सीएम के तौर पे भी काम करते थे। नरेंद्र मोदी अपने कपड़ों के कलर, स्टफ और डिज़ाइन वगैरह खुद ही सिलेक्ट करते हैं। यही कारण है कि उनके कपड़े काफ़ी यूनिक और शानदार होते हैं। दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और ऐसे ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।